बोलपुर यूनेस्को ने शांति निकेतन को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है। यूनेस्को ने रविवार को अपने एक्स हैंडल पर इसकी घोषणा की है। शांति निकेतन को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता मिली है। शांति निकेतन बंगाली भावनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि वे बंगाली भी जिन्होंने कभी शांति निकेतन में कदम नहीं रखा है। शांति निकेतन नाम से मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। शांति निकेतन की तस्वीर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कल्पना के रंगों में अपने तरीके से रंगी थी। शांति निकेतन का यह सम्मान निसंदेह देश के लिए गौरव की बात है। इस घोषणा के बाद शांति निकेतन में उत्सव का माहौल है। इस घोषणा के बाद विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म पर बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई है। इस राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल की ओर से अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा है, बंगाली का गौरवपूर्ण क्षण, विश्व भारती में सोमवार को आनंद उत्सव मनाया जाएगा, शाम 6 बजे पूजा घर में मनाया जाएगा। यूनेस्को विश्व धरोहर की सलाहकार संस्था ICOMOS ने इस श्रेणी में शांति निकेतन का नाम प्रस्तावित किया है। यह बात खुद केंद्रीय सूचना एवं सांस्कृतिक मंत्री किशन रेड्डी ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर कही थी। अब मंजूरी की मोहर लग गई है। विश्व के विभिन्न स्थान जिनकी सांस्कृतिक प्राकृतिक विशेषताओं को दुनिया भर में कैद किया गया है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। 2021 में ECOMOS का एक प्रतिनिधिमंडल शांति निकेतन आया था। उन्होंने विश्व भारती का भी दौरा किया था। इस दौरे के बाद एक रिपोर्ट भी तैयार कर जमा की गई थी। बताया जाता है कि यूनेस्को का यह समावेश उसी रिपोर्ट पर आधारित है। बोलपुर से मुकेश तिवारी की रिपोर्ट। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।